क्या होता है दोस्तों, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे एंटर कर जाता है, एंटीजन का मतलब होता है ऐसा कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकता है, हमारी बॉडी को हार्मफुल कर सकता है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर सकता है, हमारी बॉडी पे रोग पैदा कर सकता है। तो क्या होता है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे इंटर करता है और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारा जो इम्यून आर्मी होती है, वो उसको कैसे रिस्पॉन्स देती है, वो उससे कैसे इंटरेक्ट होती है, तो आज हम इसी वीडियो में इस विषय पे बात करने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं जीतू विश्वकर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ इम्यून सिस्टम। जी हाँ, कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे एंटर कर जाता है। होता क्या है दोस्तों कि जब आपकी जो स्किन है वो कहीं से डैमेज हो जाती है, चोट लग जाती है, कट जाता है, छिल जाता है, कोई भी रीज़न, एक्सीडेंट हो गया, आप खेल रहे हैं, तो होता क्या है जो इन्वायरमेंट पे मौजूद होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म, यही ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो आपकी बॉडी को, बॉडी के अंदर इंटर होके आपकी बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। ओके, तो इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें दो तरह की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं दोस्तों, पहला नेटिव इम्यूनिटी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं और अडाप्टिव इम्यूनिटी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। मतलब कि जो हमारा इम्यून सेल्स होता है उसमें दो तरह की इम्यूनिटी होती है, पहला होता है इननेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है अडाप्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में आपको जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा है। तो इननेट इम्यूनिटी सेल्स क्या होती हैं, अडाप्टिव इम्यूनिटी सेल्स क्या होती हैं, उसको एक एग्जांपल समझिए। हमारी जो इंडियन आर्मी वो तीन सेनाओं में डिवाइड है, पहला है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों सेनाएं अलग अलग जगह पर रक्षा करती हैं हमारी देश की। उसी प्रकार से हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं ये भी दो तरह में डिवाइड होती हैं, पहला इननेट इम्यूनिटी सेल्स, दूसरा एडाप्टिव इम्यूनिटी सेल्स। तो इननेट इम्यूनिटी सेल्स क्या होती है दोस्तों, इननेट इम्यूनिटी सेल्स को कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए कि जो 2400 घंटे एक्टिवेट रहती हैं उन्हें इननेट इम्यूनिटी सेल्स बोलते हैं। ओके, मतलब कि हमारे बॉर्डर जो है, बॉर्डर पे कुछ ऐसे सैनिक भी रहते हैं जो 2400 घंटे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सैनिक रहते हैं जिनको जब बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे स्ट्रेस हो जाता है तब बुलाया जाता है। तो जो 2400 घंटे बॉर्डर पे बने रहते हैं उन्हें ही हम ऐसा बोल सकते हैं, और ऐसा ही एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो 2400 घंटे जो सेल्स एक्टिवेट रहती हैं एंटीजन के प्रति रिस्पॉन्स शो करने के लिए, उन्हें ही हम इननेट इम्यूनिटी सेल्स बोलते हैं। ओके, तो ये इनमें से कौन कौन सी आपको याद रखनी है, आपके काम की कौन कौन सी है, नेचुरल किलर सेल, माइक्रोफाज सेल। ओके, माइक्रोफाज को आप फैगोसाइट भी बोल सकते हैं क्योंकि एक फैगोसाइट का ही एक टाइप है। दूसरा हम बात करेंगे एडाप्टिव इम्यूनिटी सेल्स। एडाप्टिव इम्यूनिटी सेल्स दोस्तों बहुत जल्दी एक्टिवेट नहीं होती हैं, लेकिन जब ये एक बार एक्टिवेट हो जाती हैं तब एंटीजन की जो खैर नहीं होती है, मतलब एंटीजन को फिर कहीं किसी तरह से नहीं बचाया जा सकता, ये इतनी ज़्यादा हायर लेवल पे लड़ती हैं। ओके, तो एडाप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया जाता है, और उसे कौन एक्टिवेट करता है, टी सेल्स एक्टिवेट करती हैं, और टी सेल्स को सिग्नल कॉल भेजता है माइक्रोफाज और नेचुरल किलर सेल ये भेजते हैं। ओके, तो जो हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी सेल्स होती हैं इसमें आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एटॉमिक, ऐसा बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से सेना में एटॉमिक एनर्जी होती है, उसी तरह से जो है हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है और एडाप्टिव इम्यूनिटी सेल्स होती हैं वो उतनी ही पावर्स के साथ लड़ती हैं, मतलब इनमें भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, और ये कुल मिला के इतना समझिए कि बहुत ज़्यादा हायर पावर के साथ लड़ती हैं। तो एडाप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स कौन कौन सी होती हैं, टी सेल्स होती हैं, टी सेल होता है और बी सेल होता है, इनके सब टाइप होते हैं, मतलब कि प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है टी सेल का टी हेल्पर सेल, दूसरा प्रकार होता है टी साइटोटॉक्सिक, तीसरा प्रकार होता है टी रेगुलेटरी सेल, और या इसे हम ये भी बोल सकते हैं टी सप्रेसर सेल। टी हेल्पर सेल का जो काम होता है वो बी सेल को एक्टिवेट करना होता है। ओके, टी साइटोटॉक्सिक का जो काम होता है तो ऐसी सेल को मारना होता है जिसमें एंटीजन प्रवेश कर गया है, वो उन सेल को डायरेक्ट पूरे सेल्स को ही ख़त्म करता जाएगा, इतना ख़तरनाक होता है, इसे किलर सेल भी बोलते हैं, टी किलर सेल। ओके, ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपके।
और टी रेगुलेटरी सेल किसे बोलते हैं? टी रेगुलेटरी सेल्स इन उन सेल्स को बोलते हैं जो कि स्टॉप मतलब कि रोकती हैं कि जब पूरी तरह से एंटीजन जितने भी एंटीजन वो ख़त्म हो जाते हैं हमारी बॉडी से, उनको एक तरह से सफाया कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं ये टी सप्रेसर सेल कि अब बस करिए, युद्ध ख़त्म हो चुका है। जैसे युद्ध में होता है युद्ध विराम, उसी तरह से टी सप्रेसर सेल ऐसा ही काम करता है। और जो हमारा बी सेल्स होता है वो क्या करता है दोस्तों? बी सेल्स के दो प्रकार होते हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल एक तरफ से आर्मी भेजता है मतलब एंटीबॉडी भेजता है। एंटीबॉडी क्या काम करता है दोस्तों? एंटीबॉडी एंटीजन को एकदम से इनएक्टिव कर देता है, मतलब उस पार्ट को ख़त्म कर देता है जिसके द्वारा वो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकता है। और जो हमारी प्लाज्मा सेल सॉरी मेमोरी सेल्स होती हैं वो एज अ एक कैमरे के थ्रू काम करती हैं, मतलब कि जो भी उन्होंने देखा वो सबको एक रिकॉर्ड कर लेती हैं। और अगर वही एंटीजन दोबारा हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उसके साथ वो 2000 गुना पावर के साथ लड़ती हैं। इतनी पावर के साथ लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है वो एंटीजन ख़त्म ही हो जाएगा तुरंत। तो ऐसा होता है, हमारा एडाप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स ऐसे वर्क करते हैं। तो आपको याद रखना है प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब आपको एक इंटरल्यूकिन जैसा कुछ टर्म है वो दिख रहा होगा। इंटरल्यूकिन क्या होता है दोस्तों? यही वो इंटरल्यूकिन होता है जिसके रिलीज होने से एक सेल से दूसरा सेल एक्टिवेट होता है। ओके, आप पढ़ पा रहे होंगे, इंटरल्यूकिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये काफ़ी हद तक सेल्स की ग्रोथ को मेंटेन करता है और उनकी जो गतिशीलता है किस गति के साथ लड़ेंगी उनको भी मेंटेन करता है। और ये एक फ़ोन कॉल की तरह भी काम करता है, ठीक है ना? जिस प्रकार से हमारी आर्मी के पास फ़ोन्स होते हैं मैसेज भेजने के लिए, उसी प्रकार से हमारी इम्यून सेल्स के पास भी इंटरल्यूकिन होता है एक सेल से दूसरे सेल को एक्टिवेट करने के लिए। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है मैकेनिज्म? तो सब जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी पे एंटर करता है तो जो हमारी नेचुरल किलर सेल होती हैं, इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स हैं दोस्तों ये, नेचुरल किलर सेल और हमारा हो गया फैगोसाइट सेल जिन्हें हम माइक्रोफाज भी बोलते हैं, तो ये सेल क्या करती हैं? ये सेल एंटीजन को खाना स्टार्ट कर देती हैं और खाते खाते छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती हैं। और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए या डीएनए, उनको जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है आरएनए डीएनए को, उनको अपनी बॉडी की सरफेस पे शो कर देती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऐसे शो करती हैं, TCR मतलब टी सेल रिसेप्टर और फैगोसाइट या माइक्रोफाइज के सेल जो होते हैं MSC मॉलिक्यूल के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं। और ये जो इनका RNA है इन्हीं के द्वारा यहाँ पे शो किया जाता है, मतलब कि फैगोसाइट सेल अपनी बॉडी के सरफेस पे शो कर देती हैं। आप इतना याद रखिए, आपको इतना जानना है कि फैगोसाइट जो सेल होता है वो अपनी बॉडी की सरफेस पे इनके जेनेटिक मटेरियल यानी एंटीजन के जेनेटिक मटेरियल को शो कर देता है। तो होता क्या है, टी सेल जो होता है, अब आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे, टी सेल जो होता है वो तुरंत क्या करता है, अपने तीन सब टाइप में डिवाइड हो जाता है। पहला कौन सा है? टी हेल्पर सेल। दूसरा कौन सा है? टी साइटोटॉक्सिक। और तीसरा प्रकार होता है दोस्तों टी सप्रेसर सेल। जो टी सप्रेसर सेल होता है, अब इनका एक एक काम का इन्हें क्या करते हैं, इनका एक एक करके काम समझ लेते हैं। तो टी हेल्पर सेल जो होता है वो बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, मतलब ये बी सेल को एक्टिवेट करता है। और जो टी साइटोटॉक्सिक होता है ये नेचुरल मतलब सॉरी ये किलर सेल होता है, टी किलर सेल, ये उन सेल्स को ख़त्म कर देता है जिनमें एंटीजन जा चुके हैं। ओके, और जो हमारा टी सप्रेसर या टी रेगुलेटरी होता है वो क्या करता है, वो जब ये मतलब एंटीजन पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो ये एक तरह का केमिकल रिलीज़ करता है जिसके थ्रू इन सेल्स को पता चलता है कि अब एंटीजन नहीं हुआ, नहीं रह गया, मतलब एंटीजन नहीं है, सफाया हो चुका है। एक तरह से युद्ध विराम सेल्स होता है, इसे स्टॉप मतलब कि कह देता है कि जैसे युद्ध में होता है ना युद्ध विराम, उसी तरह से ये भी काम करता है। ओके, आपने इतना सब कुछ जान लिया, अब आपको मैं एक प्रोसेस समझा देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ जाएगा। तो मान लीजिए हमारी बॉडी की सेल्स हैं, सरफेस है, ओके, और ये कोई एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है क्योंकि हमारी स्किन डैमेज हो चुकी है, यहाँ से कोई चोट लग गया को तो आ चुका है। तो सबसे पहले होगा क्या दोस्तों, हमारी जो माइक्रोफाज सेल्स होगी, ठीक है ना, जितनी भी माइक्रोफाज फैगोसाइट्स होंगी वो उनको खाना शुरू कर देंगी और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना शुरू कर देंगी, और छोटे छोटे टुकड़ों में इतना डिवाइड कर देंगी
डिवाइड कर देंगी और फिर उसके बाद क्या होगा, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए है डीएनए को अपनी बॉडी की सरफेस पे शो कर देंगी, ठीक है ना। शो करने के बाद क्या होगा कि टी सेल जो है उसे देखे, मतलब कि आइडेंटिफाई करेगा टी सेल कि हमारी बॉडी का है कि नहीं है। तो अगर उसको लगा, मतलब कि आइडेंटिफाई करने के बाद उसको लगा कि वो एंटीजन है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो तुरंत तीन सब क्लास में डिवाइड हो जाती है। ओके, पहला टी हेल्पर सेल होता है, दूसरा टी साइटोटॉक्सिक होता है, तीसरा टी सप्रेसर होता है। तो ये तीन सेल्स में डिवाइड हो जाती है हमारी टी सेल। इसके बाद क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल होती है तो टी से हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट करती है, ठीक है। और जो टी साइटोटॉक्सिक होती है वो एंटीजन को, एंटीजेंस की सेल्स मतलब जिनमें एंटीजन प्रवेश कर चुका है भले ही वो हमारी बॉडी के सेल्स हों, उनको ये ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है हमारी टी साइटोटॉक्सिक। ओके, आपको इतना समझ में आया होगा, आ गया होगा आई होप। उसके बाद क्या होता है, टी हेल्पर सेल जो है वो बी सेल को जब एक्टिवेट करती है तो बी सेल जो होता है दो सब टाइप में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है प्लाज्मा सेल, दूसरा होता है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका काम होता है एंटीजन को, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना मतलब आर्मी को भेजना, ठीक है ना। और जो मेमोरी सेल होता है ये एक सीसीटीवी की तरह काम करता है, ये इनके इनएक्टिव आरएनए मतलब कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए को अपने आप में स्टोर कर देता है। और जब ये यही एंटीजन दोबारा हमारी बॉडी पे इंटर करता है तो इसके साथ हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं, इननेट इम्यूनिटी सेल्स और एडाप्टिव इम्यूनिटी सेल्स, इसके साथ 2000 गुना पावर के साथ लड़ती हैं। तो ऐसा काम होता है दोस्तों हमारी इम्यून सेल्स का, जिनमें हमारी इननेट इम्यूनिटी सेल्स और एडाप्टिव इम्यूनिटी सेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो हमारी एंटीबॉडी होती हैं, मान लीजिए कोई ये एंटीजन है, ओके, आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा ये कोई एंटीजन है, हमारी एंटीबॉडी वाई शेप की होती हैं और उसके साथ ये बाइंड करती हैं कुछ इस प्रकार से। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एंटीजन की सरफेस पे पाया जाता है इपीटोप और एंटीबॉडी के सरफेस पे पाया जाता है पैराटोप। इसी के थ्रू हमारी एंटीजन और हमारी जो एंटीबॉडी है एंटीजन को पहचान लेती हैं और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं रीजन के द्वारा पैराटोप एंटीबॉडी में पाया जाता है और इपीटोप एंटीजन में पाया जाता है। इन्हीं सरफेस से इंट्रैक्ट होकर और वो एंटीजन को इनएक्टिव कर देती हैं, मतलब उस एंटीजन के उस पोर्शन को, एंटीजन के उस पोर्शन को ख़त्म कर देती हैं जिससे हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो सकती है। मान लीजिए ये एंटीजन का वो पोर्शन है जिससे हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो सकती है, तो एंटीबॉडी क्या करेंगी, इनको इनएक्टिव कर देती हैं। ओके, और टी साइटोटॉक्सिक क्या करता है, वो एकदम से ख़त्म कर देता है इनको। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मतलब सॉरी टॉपिक समझ में आया होगा। ये काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे वायरस का ही टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस, तो इम्यून पूछ सकता है, इम्यून सेल्स पूछ सकता है। तो आप इनको अच्छे से देखिए और समझिए, और कोई गलती हुई हो मेरे से तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि एनके सेल क्या एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती हैं। आपका जो भी जवाब है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।